नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नामांकन भरने के अंतिम दिन आज कालका जी से अकाली दल बीजेपी उम्मीदवार मनप्रीत कौर कालका ने अपना नामांकन पत्र भरा, जहां बड़ी संख्या में इलाके की जनता ने मनप्रीत कौर कालका को जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं मनप्रीत कालका के पति अथवा कालका जी से पूर्व काली बीजेपी विधायक हरमीत सिंह कालका ने बताया, जिस तरह से इलाके की जनता का सहयोग मिल रहा है और जिस तरह से इलाके के लोगों में उत्साह है और पार्टी ने विश्वास किया है, हमें पूरी उम्मीद है हम विजय होंगे। इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल अलायंस से जो उनको टिकट मिली है, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दी है, क्योंकि पिछले 15 साल से इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल विकास नहीं हुआ। क्षेत्र के अंदर एक माफिया चल रहा है, जो यहाँ के पुराने पार्षद हैं कांग्रेस से, कैप्टन खविंदर सिंह, उनकी पहले वो यहाँ से आप रहे एससी सीट के ऊपर, फिर जनरल सीट के ऊपर उन्होंने फिर दोबारा जीती और तीसरी बार उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ से लड़ाया और वाइफ का सिर्फ चेहरा यूज़ किया यहाँ पर, मगर उन्होंने एक पूरा यहाँ पर एक नेक्सस बना रखा है अपने बदमाशों की टीम का और यहाँ पर कोई काम नहीं किया। एमसीडी के वर्कर्स को दबा के रखा, बिल्डर्स लॉबी यहाँ की बहुत परेशान है उनसे, जो सफाइयों को लेकर हम बात कर सकते हैं कि नालियाँ हमारे यहाँ की बहुत गंदी हैं, सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और पार्कों की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है और लोग इस बार एक चेंज चाहते हैं और 15 साल से जो ये नेक्सस बना हुआ है इसको तोड़ना चाहते हैं। विधायक का तो ये है कि पिछले 2 साल से जो यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, उनके बारे में तो शायद उन्होंने आज तक अभी पूरा इलाका उनको समझ नहीं आया कि मेरे पास एरिया कौन सा है और किसी क्षेत्र के अंदर कोई विकास तो छोड़ो, उनका राउंड भी पूरा नहीं लगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है पूरी दिल्ली में जैसे ख़त्म हुआ है, उसकी शुरुआत कालका जी से हुई। माफ़ करने के लिए तो सब कुछ माफ़ कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछली चुनाव में जो वादे किए थे बिजली को लेके, पानी को लेके, वाईफाई को लेके, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर भी खड़े मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, यहाँ पर भी वाईफाई आप देख सकते हैं कितना चल रहा है कितना नहीं। झूठे सपने जो दिखाए उन्होंने, लोग उनसे बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, लोगों को समझ आ गई है कि हमको काम चाहिए, हमको सिर्फ वादे नहीं चाहिए। साफ सफाई है, जो एमसीडी के सारे कार्य होते हैं, पार्क हैं, एमसीडी के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सड़कें हैं। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज़ चैनल voiceofindia.net।